एक खबर भोपाल से, जहां किसानों के लिए एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये ओलावृष्टि से जो फसलों को नुकसान हुआ है उसका जल्द से जल्द सर्वे कराया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने तत्काल सर्वे के निर्देश दिए हैं और ये भी कहा है कि कोई भी किसान बिना मुआवजे के ना रहे, सर्वे होगा, राहत से कोई भी किसान छूटे नहीं। 11 से 14 फरवरी तक जो बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, मौसम में बदलाव आया, ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा, किसानों ने ये मांग लगातार कर रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। अब जब सीएम ने ये आदेश दे दिए हैं तो किसानों के लिए एक बड़ी राहत, बड़ी भरी खबर है, क्योंकि काफी नुकसान उन्हें हुआ आर्थिक तौर पर, जैसे फसल उनकी खराब हो गई, तो ऐसे में मुआवजे की मांग वो कर रहे थे। एक बड़ी राहत जब सीएम ने आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द सर्वे हो उन किसानों की फसलों का, और किसानों को सर्वे के आधार पर, सर्वे करने के बाद उनका मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा उन्हें मिले। तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से मौसम में बदलाव आया, तेज बारिश हुई, ओलावृष्टि कुछ जगहों पर हुई और ओले गिरने से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा, दलहन की जो फसलें थी उनको काफी नुकसान पहुंचा। ऐसे में किसानों ने ये मांग की थी कि जो नुकसान उनका हुआ है उसकी भरपाई की जाए। अमृतांशि जोशी इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। अमृतांशि, मांग लगातार किसान कर रहे थे मुआवजे की, लेकिन अब जब सीएम ने आदेश दे दिया है तो एक बड़ी राहत भरी खबर किसानों के लिए और खुश कर देने वाली खबर। बिल्कुल, देखिए कल जब विधानसभा में नियम 139 के तहत चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस के विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया कि कई जगहों पर ओलावृष्टि के कारण, ओला पाला पड़ने के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। एक काफी अच्छी चर्चा इसको लेकर हुई। मुख्यमंत्री ने कल सदन में भी कहा कि इसको लेकर हम संज्ञान ले रहे हैं क्योंकि ये किसानों के लिए काफी नुकसानदायक बात हो जाती है। जिस फसल पर वो सालों से मेहनत करते हैं वो अचानक से खराब हो जाए, इसी कारण मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल ये चर्चा हुई। इसके बाद तत्काल उन्होंने जो है निर्देश दिए हैं कलेक्टरों को कि तमाम जो जगहों पर ओलावृष्टि हुई है या फिर ओला पाला पड़ा है वहां पर सर्वे तत्काल प्रभाव से किया जाए और सर्वे करवाया जाए। जो सर्वे में जो भी बातें निकलकर सामने आ रही है, जिन भी किसानों की फसलें अगर बर्बाद हुई हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए। देखिए आरबीसी 6-4 के तहत जो माना जाता है, इन फसलों के सर्वे के बाद जो कलेक्टर सर्वे करते हैं उसके हिसाब से जो रिपोर्ट तैयार होती है, सर्वे में देखा जाता है कि किसानों की कितने एकड़ की फसलें बर्बाद हुई हैं या फिर ऐसी कौन सी फसलें थी जो बर्बाद हुई और उस हिसाब से आरबीसी 6-4 के तहत मुआवजा किसानों को दिया जाता है। देखिए प्रदेश के कई हिस्सों में 11 से लेकर 14 फरवरी तक ओलावृष्टि हुई थी जिसके कारण खासतौर से किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। ऐसे में जो अगर बात करें डिंडौरी हो गया, अनूपपुर हो गया, मंडला हो गया, इसके अलावा और भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर ओला पाला पड़ने की वजह से फसलें बर्बाद हुई हैं। इन इलाकों के 34 तहसीलों के 3000 से भी ज्यादा जो गांव हैं वहां पर खासतौर से निर्देश किया है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कि इन जगहों पर जहां पर सबसे पहले जो है किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उनका तत्काल सर्वे करवाया जाए और सर्वे के बाद पूरा बजट और रिपोर्ट तैयार की जाए कि किस हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाना है। पिछले साल जब ओला पाला पड़ने के कारण फसलें बर्बाद हुई थी तो 121 करोड़ का मुआवजा किसानों को सरकार की ओर से दिया गया था और जो भी फसलें बर्बाद हुई हैं उनका मुआवजा देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जाहिर सी बात है किसान लगातार मांग भी कर रहे हैं। इसी कारण जो भी ऐसी जगहें हैं मध्य प्रदेश में अब तत्काल रूप से आज ही से ये उम्मीद की जा रही है कि जो कलेक्टर्स हैं उनको क्योंकि मुख्यमंत्री ने निर्देशित कर दिया है तो वो आज ही से सर्वे शुरू करेंगे। अब जैसे जैसे सर्वे जल्द से जल्द होता जाएगा वैसे ही किसानों को मुआवजे की राशि जो है वो उनके खातों में पहुंचाई जाएगी, लेकिन ये बेहद जरूरी भी था जिसके लिए मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेकर सर्वे को लेकर निर्देशित किया है।